शनिवार की रात सात लाल मिर्च से करें ये काम, कर्ज मुक्ति, शत्रुनाश, दुखनाश, नजर दोष से मुक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में चल रही ढेर सारी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में होने वाली रोज रोज की कलह और दुख तकलीफों से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना चाहते हैं, अपने सभी बिगड़े काम बनाना चाहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार, नौकरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, साथ ही कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा लाल मिर्च का एक सरल उपाय। इसलिए आप भी गुरुजी द्वारा बताए गए लाल मिर्च के इस उपाय को करके जरूर देखें। आपको भी अपनी परेशानियों से, अपनी तकलीफों से मुक्ति जरूर मिलेगी। आपके जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके द्वारा किए गए हर काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस उपाय को किस तरह करना है, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। के अनुसार अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन से धन संबंधी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आप सात लाल मिर्च को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना रुपया, पैसा, जेवर वगैरह रखते हैं, वहां रख दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके आने वाले समय में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप अगर इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार जब परेशानियां आती हैं तो वो जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, टेंशन बढ़ने लगती है और सारे काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। कुछ लोग जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का रीजन नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं, तो कुछ लोग इसे नजर दोष या टोना टोटका भी मानते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए ज्योतिष शास्त्र में लाल मिर्च के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से जीवन की परेशानियों को कम करके सुख समृद्धि लाई जा सकती। ज्योतिष शास्त्र आपको अगर लगता है कि आपके आसपास आपका बुरा चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी आप अपने शत्रुओं से ज्यादा परेशान हैं, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए शनिवार की रात अपने घर से बाहर निकलकर जमीन में एक गड्ढा बनाएं और सात लाल मिर्च अपने हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से पांच बार बार लें। ऐसा करते समय मन में शत्रु का नाम लेते रहें और बाहर बनाए गए गड्ढे में उस लाल मिर्च को डालकर दबा दें। इस उपाय को करने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखें अपने घर वापस चले आए। इस उपाय को करने के बाद आपका दुश्मन आपको परेशान करना तो दूर, भविष्य में फिर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए आप ये उपाय करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके लिए भी आप सात लाल मिर्च लेकर उन्हें घर के एक ऐसे कोने में टांग दें जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। ध्यान रहे, लाल मिर्च बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लाल मिर्च सूखती जाएगी आपका दुश्मन शांत होता जाएगा। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप जब भी कोई नया काम करने जाते हैं तो उसमें कोई न कोई बाधा जरूर उत्पन्न होती है, आप अपनी इन परेशानियों को लाख कोशिश के बाद भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें 21 लाल मिर्च के सिर्फ 20 डाल दें। सोते समय इस बर्तन को अपने सिर के पास रखकर सोए और सुबह 7 बार इस बर्तन को अपने सिर के ऊपर घुमाकर इस पानी को घर के बाहर फेंक दे। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में
चल रही किसी भी तरह की परेशानी या बाधा दूर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे या बूढ़े अचानक बीमार पड़ जाते हैं, लाख दवा करने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है। उन्हें इस नज़र दोष से बचाने के लिए आप शनिवार के दिन शाम के समय 7 साबुत लाल मिर्च हाथ में लेकर नज़र वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाते हुए ले जाएं। आप लाल मिर्च को 7 बार सीधे क्रम में घुमाएं और 7 बार उल्टे क्रम में सर के ऊपर से घुमाएं। इसके बाद इन सारी लाल मिर्च को चुपचाप बिना बोले ले जाकर आग में डाल दें। ऐसा करने से कुछ ही देर बाद व्यक्ति को नजर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय ना कोई टोके और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। घर में आपके घर में अगर किसी की भी शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो आप 7 लाल मिर्च लें और साथ में 5 हल्दी की गांठ लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जिस व्यक्ति की शादी में अड़चने आ रही हैं या किसी भी वजह से विवाह में देरी हो रही है, उनके विवाह का जल्दी ही योग बनने लगेगा और सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खास तौर से यदि बेटी की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं। इससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। आपको काफी प्रयास करने के बाद भी अगर अपनी जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, आपके द्वारा की गई हर एक कोशिश नाकाम हो रही है, तो इसके लिए आप परेशान होने के बजाय लाल मिर्च से किया गया ये उपाय आजमा कर देखें। इसके लिए भी आप 7 लाल मिर्च लेकर किसी भी काम को करने के लिए घर से बाहर जाने से पहले दहलीज यानी चौखट पर रख दें। इसके बाद आप अपने काम को करने के लिए घर से बाहर जाएं। मान्यता है कि ऐसा उपाय करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। के अनुसार अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन से धन संबंधी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आप 7 लाल मिर्च को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना रुपया पैसा जेवर वगैरह रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके आने वाले समय में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप अगर इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार जब परेशानियां आती हैं तो वो जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। टेंशन बढ़ने लगती है और सारे काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। कुछ लोग जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का रीजन नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं, तो कुछ लोग इसे नजर दोष या टोना टोटका भी मानते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए ज्योतिष शास्त्र में लाल मिर्च के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से जीवन की परेशानियों को कम करके सुख समृद्धि लाई जा सकती। ज्योतिष शास्त्र आपको अगर लगता है कि आपके आसपास आपका बुरा चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी आप अपने शत्रुओं से ज्यादा परेशान हैं, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए शनिवार की रात अपने घर से बाहर निकलकर जमीन में एक गड्ढा बनाएं और 7 लाल मिर्च अपने हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से 5 बार बार लें। ऐसा करते समय मन में शत्रु का नाम लेते रहें और बाहर बनाए गए गड्ढे में उस लाल मिर्च को डालकर दबा दें। इस उपाय को करने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखें अपने घर वापस चले आए। इस उपाय को करने के बाद आपका दुश्मन आपको परेशान करना तो दूर, भविष्य में फिर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए आप ये उपाय करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके लिए भी आप 7 लाल मिर्च लेकर उन्हें घर के एक ऐसे कोने में टांग दें जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। ध्यान रहे, लाल मिर्च बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लाल मिर्च सूखती जाएगी आपका दुश्मन शांत होता जाएगा। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप जब भी कोई नया काम करने जाते हैं
तो उसमें कोई न कोई बाधा जरूर उत्पन्न होती है। आप अपनी इन परेशानियों को लाख कोशिश के बाद भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें 21 लाल मिर्च के सिर्फ 20 डाल दे। सोते समय इस बर्तन को अपने सिर के पास रखकर सोए और सुबह 7 बार इस बर्तन को अपने सिर के ऊपर घुमाकर इस पानी को घर के बाहर फेंक दे। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी या बाधा दूर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे या बूढ़े अचानक बीमार पड़ जाते हैं, लाख दवा करने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है। उन्हें इस नज़र दोष से बचाने के लिए आप शनिवार के दिन शाम के समय 7 साबुत लाल मिर्च हाथ में लेकर नज़र वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाते हुए ले जाएं। आप लाल मिर्च को 7 बार सीधे क्रम में घुमाएं और 7 बार उल्टे क्रम में सर के ऊपर से घुमाएं। इसके बाद इन सारी लाल मिर्च को चुपचाप बिना बोले ले जाकर आग में डाल दें। ऐसा करने से कुछ ही देर बाद व्यक्ति को नजर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय ना कोई टोके और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। घर में आपके घर में अगर किसी की भी शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो आप 7 लाल मिर्च लें और साथ में 5 हल्दी की गांठ लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जिस व्यक्ति की शादी में अड़चने आ रही हैं या किसी भी वजह से विवाह में देरी हो रही है, उनके विवाह का जल्दी ही योग बनने लगेगा और सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खास तौर से यदि बेटी की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं। इससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। आपको काफी प्रयास करने के बाद भी अगर अपनी जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, आपके द्वारा की गई हर एक कोशिश नाकाम हो रही है, तो इसके लिए आप परेशान होने के बजाय लाल मिर्च से किया गया ये उपाय आजमा कर देखें। इसके लिए भी आप 7 लाल मिर्च लेकर किसी भी काम को करने के लिए घर से बाहर जाने से पहले दहलीज यानी चौखट पर रख दें। इसके बाद आप अपने काम को करने के लिए घर से बाहर जाएं। मान्यता है कि ऐसा उपाय करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। के अनुसार अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन से धन संबंधी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आप 7 लाल मिर्च को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना रुपया पैसा जेवर वगैरह रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके आने वाले समय में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप अगर इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार जब परेशानियां आती हैं, तो वो जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। टेंशन बढ़ने लगती है और सारे काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। कुछ लोग जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का रीजन नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं, तो कुछ लोग इसे नजर दोष या टोना टोटका भी मानते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए ज्योतिष शास्त्र में लाल मिर्च के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से जीवन की परेशानियों को कम करके सुख समृद्धि लाई जा सकती। ज्योतिष शास्त्र आपको अगर लगता है कि आपके आसपास आपका बुरा चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी आप अपने शत्रुओं से ज्यादा परेशान हैं, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए शनिवार की रात अपने घर से बाहर निकलकर जमीन में एक गड्ढा बनाएं और 7 लाल मिर्च अपने हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से 5 बार वार लें। ऐसा करते समय मन में शत्रु का नाम लेते रहें और बाहर बनाए गए गड्ढे में उस लाल मिर्च को डालकर दबा दें। इस उपाय को करने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखें अपने घर वापस चले आए। इस उपाय को करने के बाद आपका दुश्मन आपको परेशान करना तो दूर भविष्य में फिर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए आप ये उपाय करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके लिए भी आप 7 लाल मिर्च
लेकर उन्हें घर के एक ऐसे कोने में टांग दें जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। ध्यान रहे, शनिवार के दिन लाल मिर्च से किया गया उपाय परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।